हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वॉकिंग व्लॉग्स। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ज़बरदस्त टॉपिक है, ये है स्कैम्स इन थाईलैंड। तो इस वीडियो में आपको सारे स्कैम्स पता चल जाएंगे और जिन जिन स्कैमों से आपको बीवेयर रहना है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं एयरपोर्ट से, जब आप लैंड करते हो तो आप सबसे पहले आप इमिग्रेशन ऑन अराइवल इमिग्रेशन वीज़ा फ़ीस देते हो, जिसमें आजकल हमने देखा है कि वो आपसे 200 बाट एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। नॉर्मली फ़ीस 2000 बाट है, पर वो आपसे 2200 बाट चार्ज करेंगे। इवन प्रायोरिटी लाइन के लिए आपको बोलेंगे वो, पर इवन नॉर्मल लाइन एम्प्टी होगी तब भी वो आपसे यही प्राइस लेंगे। तो ये मैं एक स्कैम नहीं कहूँगा, पर ये इमिग्रेशन अपने लिए 200 बाट चार्ज करती है। इसकी आपको रसीद वो सिर्फ 2000 बाट की ही देंगे, पर इसमें सिर्फ ये फ़ायदा है कि अगर आप 200 बाट दोगे तो वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे को नॉर्मल फ़ीस देनी है 2000 बाट, तो वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाएंगे A to Z। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तभी आप 2000 बाट वाले लाइन में जाइए। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग है तो आप 200 बाट दीजिए और आप आगे बढ़िए। तो ये ऑलमोस्ट स्कैम भी है, स्कैम नहीं भी है। उसके बाद जब आप आओगे तो आपको एक्सचेंज रेट थाईलैंड के एयरपोर्ट पे आपने कभी भी नहीं कराने हैं। कोई भी वहाँ पे एक्सचेंज रेट आपको मिलेगा, सिर्फ आप अगर सोनभूमि एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो नीचे थर्ड फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे आपको सबसे अच्छे रेट मिलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। अगर आप अराइवल में हो और एयरपोर्ट के जब आप डिपार्चर में अब आप आते हो लाइन में आते हो, वहाँ पे भी बिल्कुल नहीं कराने हैं। ट्राई करें सिटी के अंदर जाके आप एक्सचेंज कराएं। तीसरा इसमें एक पॉइंट भी है कि ATM जो एयरपोर्ट पे हैं उसमें से आप नहीं विड्रॉ करिए पैसे, क्योंकि वहाँ पे वो थोड़े एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं आपसे। तो इसलिए सिटी के अंदर जाके ATM में आपको पैसे विड्रॉ करने हैं। दूसरा इसमें एक स्कैम हो सकता है कि एयरपोर्ट टैक्सी, जब एयरपोर्ट में आप टैक्सी लेंगे अपनी सिटी में जाने के लिए, तो वो आपको एक रेट बता देगा कि भाई मैं 300 बाट में जाऊंगा, 400 बाट में जाऊंगा, 500 बाट में जाऊंगा। नहीं, कि आपने ये नहीं करना है, आपने उनको बोलना है कि मैं सिर्फ मीटर पर जाऊँगा, मीटर पर लेके जाओगे तो जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। तो ये है हमारे एयरपोर्ट के आसपास जो स्कैम होते हैं। तो फोर्थ ही मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, लोकल ट्रांसपोर्टेशन। अगर आप बैंकॉक में आओगे तो अगर आप टैक्सी लोगे तो इसमें सेम जो एयरपोर्ट वाली टैक्सी में होता है सेम इसमें है कि वो आपसे मीटर पे नहीं जाएंगे और आपको बोलेंगे कि एक प्राइस रेट 100 बाट 200 बाट। अगर आप पहली बार आते हो दूसरी बार आते हो तब आपको लगेगा ही नहीं कि मैं इसे क्या नेगोशिएट करूँ, वो बड़ा आपसे ज़बरदस्ती कहेगा कि मैं नहीं जाऊँगा। तो इसका बेस्ट, और कभी कभी क्या होता है वो मीटर पर भी चले जाते हैं, पर जैसे ही सपोज़ आपके वो 80 बाट हो या 90 बाट बिल आपका आए, आपने 100 बाट उसको दिए, तो वो आपको कभी चेंज नहीं वापस करेंगे, वो बोलेंगे हमारे पास चेंज ही नहीं है। तो नॉर्मली आपके पास भी चेंज नहीं होते तो आप बोलते हो चल यार तू पैसे रख ही ले। तो इसमें जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है ग्रैब टैक्सी। ग्रैब टैक्सी एक यहाँ पे लोकल ओला और उबर के जैसे टैक्सी की ऐप है, वो डाउनलोड करिए, उसमें लोकेशन आप डालिए, आपको डायरेक्ट प्राइस उसमें मिल जाएगा, वही आप यूज़ करके जाइए। अगर लोकल टैक्सी मीटर पे नहीं जाती है, अगर लोकल टैक्सी मीटर पे जाती है तो वो ग्रैब टैक्सी से भी अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आ जाएगा टुकटुक। टुकटुक एक बहुत ही बड़ा स्कैम मैं आपको बोल सकता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग यहाँ पे आते हैं तो वो एक बार टुकटुक राइड करना चाहते हैं। मैं आपको बोलूँगा हमेशा आप एक बार राइड करिए, पर उसको दोबारा दोबारा राइड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो नॉर्मल प्राइस ही 200 300 400 बाट आपसे चार्ज करेगा, पर आपको अगर उसका प्राइस पता नहीं है तो आप उसको वो पैसे दे दोगे। सबसे अच्छी बात है कि टुकटुक लाइफ में सिर्फ एक बार ही यूज़ करिए, उसके बाद आपको बिल्कुल भी वो ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक सिंगल ट्रैवलर हो तो बेस्ट है कि जो ये जिसमें आप मेरे को देख रहे हो ये बाइक टैक्सी है, बाइक टैक्सी आप सिंगल ट्रैवलर के लिए यूज़ करें, इजी है, फास्ट है और चीप भी है। तो इसके बाद जो स्कैम है वो है क्लोज्ड गवर्नमेंट जो लोकेशंस है वो स्कैम। जब भी आप कोई
अपनी अच्छी लोकेशन जो आपको मॉन्यूमेंट देखने जाना है, तो आपको टैक्सी ड्राइवर या टुक टुक ड्राइवर बोलेगा वो लोकेशन क्लोज है। पर आप ये उनकी बात नहीं मानिए, आप वेबसाइट या ऑनलाइन जाके देखिए कि वो क्लोज़ है। वो बस वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो आपको बोल देंगे कि वो जगह क्लोज़ है। उसी पॉइंट में इसमें एक पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगा कि वो इसमें आपको एक सेलिंग स्कैम भी है, जिसमें वो आपको एक शॉप लेके जाएंगे या आपको बोलेंगे कि हम आपको फ्री में घुमाते हैं बैंकॉक और आपको हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर लेके जाएंगे। ये स्कैम मैंने इंडिया में भी होते हुए देखा है, स्पेशली जयपुर में, कि वो आपको फ्री में आपको बैंकॉक घुमाएंगे, पर वो अपनी अपनी एक लोकेशन पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पे वो आपको फोर्सफुली ट्राई करेंगे चीज़ें लेने के लिए। तो इसलिए इस स्कैम से भी आप बच के रहें। 9th नंबर पे है होटल पॉट हॉट पॉट स्कैम। ये है कि आप स्पेशली मैंने आज के टाइम पे देखा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। जब भी आप होटल में चेक इन करेंगे तो जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको वो ये बोलेंगे कि आपने ये डैमेज कर दिया या आपने तोड़ दिया, तो आप 2 से 3 हज़ार बाट दीजिए। उस समय आपको कुछ पता नहीं होता और आपको वो पैसे देने पड़ते हैं। वो आपको दिखाएंगे भी कि आपने तोड़ दिया है और आपने आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो मेरा इसमें ये सजेशन है कि कब भी कोई होटल में आप स्पेशली थाईलैंड में आएँ तो एक बार पूरे रूम की आप एक फ़ोटो ले लें या वीडियो ले लें कि सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आपसे वो कोई भी ये स्कैम नहीं कर पाएँ। तो 10th नंबर पर है बाइक एंड कार स्कैम। तो इसमें आपने क्या करना है कि जब भी आप थाईलैंड में स्कूटी या गाड़ी रेंट करते हैं तो सबसे पहले आपने उनको अपना पासपोर्ट नहीं देना है। अगर वो आपसे पासपोर्ट रख रहे हैं तो कोई और दूसरी शॉप में जाके आप गाड़ी या बाइक रेंट करिए, क्योंकि जब आप वापस देने आएंगे पासपोर्ट तो वो बोल देंगे कि आपने गाड़ी डैमेज कर दी है या आपने बाइक डैमेज कर दी है। तो उस समय वो आपको, जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे तो वो आपको पासपोर्ट वापस नहीं देंगे। और इसमें एक और चीज़ भी है कि जब भी आप बाइक और या स्कूटी रेंट करें उसकी प्रॉपर आप वीडियो आप शूट करें और प्रॉपर दिखाएं कि हमने प्रॉपर वीडियो अपने पास रखें कि इसमें कोई डैमेज नहीं है, और तभी आप यहाँ पे स्कूटी या बाइक लें। नंबर 11 पे बहुत फेमस स्कैम है बार स्कैम। इसमें क्या होता है, जब भी आप ये स्पेशली गोगो बार और छोटे बार्स में होता है, अगर आप वहाँ पे जाके ड्रिंक लेने जा रहे हैं गोगो बार में और आप बैठ के ड्रिंक पी रहे हैं, तो नॉर्मली वो आपकी एक स्मॉल सर्कल में ला के आपको एक अपना बिल रख देते हैं जो जो आप ड्रिंक्स पी रहे हैं। उसमें क्या होता है कि आप ड्रिंक्स पीते रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, वो उसी के अंदर 400-500 एक्स्ट्रा बाट का बिल रख देते हैं। अगर वो बिल उसमें रख देते हैं तो आपको वो पैसे देने ही देने हैं, आप वो पैसे को डिनाई नहीं कर सकते अगर उन्होंने बिल रख दिया है। तो सबसे इसमें अच्छी बात आपने सबसे इसमें आपने क्या करना है कि जब भी वो आपको बियर दें या कोई भी आपने ड्रिंक पे करी, जैसे ही वो बिल आपको रखें आप उसके पैसे उसको उस समय ही दे दीजिए। अगर आप उसको उस समय ही पैसे दे दोगे तो वो बिल वहाँ से हटा देंगे। अगर आप बिल वहाँ पे रखते रहोगे, 4-5 बिल वो रखते रहेंगे, तो उसका मतलब है कि आपके स्कैम होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो नंबर 12 पे आते हैं, ये भी बहुत बड़ा फेमस स्कैम है, वाटर स्पोर्ट्स स्कैम। अगर आप फुकेट या पताया में जाते हैं और आप वाटर स्पोर्ट्स करते हैं तो आपके साथ ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ पे जेट स्की अगर आप वहाँ पे रेंट करोगे तो ये आपको क्या करेंगे, जेट स्की आपको दे देंगे, जब आप वापस जेट स्की लाओगे तो ये बोलेंगे नीचे से टूटी हुई है, और आपको वो ये दिखाएंगे भी, और आपसे सीधा के सीधा 30 से 40 हज़ार बाट ये पैसे मांगेंगे। फिर अगर आप इनको पैसे नहीं दोगे तो ये अपने गुंडे चार पार ले आएंगे और आपको प्रेशर करेंगे। फिर भी आप पैसे नहीं दोगे तो ये वहाँ पे पुलिस वाले भी ले आएंगे, जिनके साथ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, और आपको वहाँ पे एटलीस्ट 10 से 20 हज़ार बाट देने पड़ जाएंगे। तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि जेट्स की आप थाईलैंड में बिल्कुल ही ना चलाइए, चाहे वो आपके होटल वाले भी दे रहे हों या कोई भी दे रहे हों, जेट स्की आपको बिल्कुल ही नहीं चलानी है। नंबर 13 है मसाज स्कैम। ये स्कैम भी काफ़ी फेमस है। आप कोई भी यहाँ पे टूरिस्ट जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे मसाज शॉप होंगी जो आपसे फुट मसाज आपकी बॉडी में मसाज के लिए पैसे लेंगी। पर आपने यहाँ पे देखना है कि इन दुकानों पे आप अवॉइड करिए, कोई अच्छी मसाज प्लेसेस से वहीं पे जाइए, नहीं तो ये दुकानें क्या करती हैं, आपसे पैसे ले लेंगी 200-300 बाट और आपके टांगों में ऑयल लगाएंगी और बस उनको ही ऊपर हाथ मारते रहती हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि आपका इस यहाँ पे मसाज हो रहा है, आपको लगेगा कि ये तो आपका चूपा कट रहा है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल ही मसाज नहीं करती हैं ये। तो मेरी बेस्ट एडवाइस है, ऑनलाइन जाइए, मसाज बेस्ट प्लेसेस इन थाईलैंड और बैंकॉक जहाँ पे भी आप रुकें ढूंढिए और वहीं पे कराइए। तो नंबर 14 पे हम आते हैं, ये है आइस स्कैम। तो ये मैं स्कैम नहीं कहूँगा, पर ये काफ़ी एक
इनोवेटिव तरीका है थाई लोगों का कि आपको ये ड्रिंक्स और जो भी आप अपनी लेते हैं उससे कम दें। तो तब भी आप कोई भी कॉफ़ी जूस या कुछ भी लेने जाएंगे तो उसमें ये बहुत ही ज़्यादा आइस डाल देते हैं और ड्रिंक उसमें बहुत कम होती है। आई थिंक ये लोकल थाई लोगों का पीने का स्टाइल है, पर ये हमको अच्छा नहीं लगता। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप उसको बोलिए कि भाई कम आइस डालिए और हमें ड्रिंक आप जितनी डालते हैं उतनी डालिए। अगर आप उसको ड्रिंक के थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे तो वो पूरी ड्रिंक डाल देगा और आपको आइस बिल्कुल थोड़ी सी डालेगा। पहली पहली आप बाहर आओगे तो आप काफ़ी आप शॉक्ड हो जाओगे कि उसमें पूरी आइस होगी और ड्रिंक उसमें बहुत ही थोड़ी के मतलब ऑलमोस्ट 1/4 की भी कम होगी। तो मैं भी एक ये छोटा सा स्कैम मानता हूँ। तो आज के टाइम पे एक बड़ा नया स्कैम आया है तो मैंने कहा वो भी इसमें मैं आपको ऐड कर देता हूँ। अगर आप खुसान रोड पे जाओगे और आपको वहाँ पे कोई वॉलेट दिखेगा और उसमें आपको 1-2 हज़ार बाट दिखोगे तो आप क्या करोगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त नया स्कैम हुआ है 2-3 फॉरेन टूरिस्ट के साथ कि उन्होंने ऐसे ही रात को 3-4 बजे क्लब से बाहर निकले, उनको एक वॉलेट में 2,000 से 3,000 बाट मिले। जब उनको उन्होंने पैसे वॉलेट उठाए उनको वहाँ पे कोई बंदा नहीं था लेने वाला, तो वो वापस अपने होटल चले गए। और जब वो सुबह जब वो पुलिस स्टेशन जा रहे थे तो उनको कुछ थाई लोग वहाँ पे मिले, उन्होंने कहा कि ये हमारा वॉलेट है। तो उन्होंने उनको वो वॉलेट वापस देना चाहा पर उन्होंने उनको कहा कि थाई लोगों ने कहा कि हमारे इसमें 10,000 बाट थे, अभी तो इसमें 2,000-3,000 बाट हैं। तो ये है एक न्यूज़ स्कैम जो मेरे को काफ़ी इनोवेटिव लगा है कि ये उनको उन्होंने दिखा के कि इसमें 2,000 या 3,000 बाट डाल के आपने वॉलेट उठा लिया, पर वो आपसे 10,000 बाट मांगेंगे। तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाओगे तो आपको ही पैसे देने पड़ेंगे पूरे 10,000 बाट। तो ये भी एक नया स्कैम है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर आपको और कोई नया स्कैम पता चलता है या आपके साथ कुछ उल्टा सीधा हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो मैं डाल दूंगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और दूसरी वीडियोस भी देखिए। थैंक यू सो मच।